के शो बिला तकल्लुफ में मैं हलीमा सादिया आपको खुश आमदीद कहती हूँ। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने अपनी एक वीडियो में ईरानी हुकूमत को धमकाया है और अवाम को दोस्ती का पैगाम दिया है। आप उनके इस वीडियो मैसेज पर क्या तबसरा करेंगे? देखिए, ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट वीडियो मैसेज है। जिस तरह की बातें प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने अक्वामे मुत्तहदा के यानी यूएन की जनरल असेंबली में की थी, उन्होंने ईरान को कहा था कि ईरान का कोई इंच भी हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है। तो उन्होंने 30 सितंबर को एक वीडियो मैसेज रिलीज़ किया और उन्होंने कहा कि ईरान की जो आवाम है वो छुटकारा हासिल करना चाहते हैं ईरान की इस मुलायत की रजीम से, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो उन्होंने ये बात की है, ईरान की आवाम वाकई ही इस रजीम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं। अब ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान के लोगों, या हमने जम्मू कश्मीर में हिजबुल्ला के हक़ में मुजाहरा देखा, या दुनिया के कुछ और हिस्सों में मुसलमान मुल्क, इवन हमारे कैनेडा में वो झंडे लहराते फिर रहे होते हैं, लेकिन जब ये ईरान की आवाम से कभी पूछें ये सारे जहादी, तो ईरान की आवाम तो हिजबुल्ला के मारे जाने पे खुशियां मना रहे, सवाए उस ईरानी आवाम के जिनके मफादात ईरान की रजीम के साथ वाबस्ता हैं। वो भी मैं आपको बताऊं, खुद ईरान के एक साबिक सदर अहमदीन नजाद ने कहा है, उसने कहा है कि हमारी अपनी ईरानी इंटेलिजेंस में सैकड़ों इसराइल के एजेंट हैं। आपको याद होगा अभी कोई एक डेढ़ महीना पहले जब इसराइल ने हमास के लीडर को ईरान के अंदर एक रिमोट कंट्रोल बम धमाके में मार दिया था, और वो जो ईरान के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ वाले गेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। इससे ये मुराद है कि इसराइल की इतनी पेनिट्रेशन है ईरान के अंदर कि ईरान के अंदर इसराइल जो करना चाहता है वो कर देता है। उसकी बड़ी वाज़े वजह है कि इस मुलायत की रजीम ने ईरान का निज़ाम इतना बर्बाद किया हुआ है और ईरान की इकॉनमी को इतना ख़राब किया हुआ है। अब ईरान के जो रूरल एरियाज़ के लोग हैं वो कुछ मजहबी रुझान रखते हैं, जो ईरान के शहरी इलाके हैं वो तो नफ़रत करते हैं इस ईरानी रजीम से, बल्कि इस ईरानी रजीम की वजह से वो मज़हब से नफ़रत करने लगे। मैं मतलब यहाँ कनाडा में सैकड़ों ईरानियंस को जानता हूँ पर्सनली, और मेरे दोस्त हैं बहुत करीबी उनमें से दर्जनों, और यहाँ पे लाखों की तादाद में ईरानी रहते हैं, उनकी 99% ईरान की हुकूमत से नफ़रत करती है। अब जो इस्लामिस्ट ईरान के साथ अपने वो जो है ना तल्लक बनाना चाहते हैं, मुझे हैरत होती है कि वो कभी ईरानी आवाम से तो पूछ लें कि भाई आप कितने खुश हो। तो यही पैगाम प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दिया है। उन्होंने कहा है कि ईरानी आवाम के बारे में मुझे एहसास है कि वो इस रजीम से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, वो अच्छे रोशन ख्याल लोग हैं। तो इस बात का एहसास इसराइल के प्राइम मिनिस्टर को है, बाकी मुसलमान ग्रोहों को जैसे पाकिस्तान के मुसलमान और ये वो, पाकिस्तान के देखिए मैं हैरान हूँ, शॉक्ड, बड़े बड़े जुगादरी नाम निहाद रोशन ख्याल लिबरल जो वहाँ के कमेंटेटर हैं जैसे नजम सेठी, वो हसन नसरुल्ला की हलाकत को शहादत कह रहे हैं। यानी अगर ये पाकिस्तानी, इस लेवल के पाकिस्तानी जो अपने आप को सेकुलरिज्म लिबरलिज्म की इंतहाओं को छूते हुए दिखाते हैं, अगर उनका परसेप्शन ईरान के बारे में ये है तो फिर उनका खुदा ही हाफज है। तो बहरहाल देखिए, ये हसन नसरुल्ला की हलाकत के बाद जो वीडियो रिलीज़ किया है वो ईरानी अवाम के लिए एक पैगाम है इसराइल के प्राइम मिनिस्टर का। और ना सिर्फ लबनानी जो सिविल वॉर में उलझे रहे ये इसी हिजबुल्ला की वजह से, वो भी खुशियां मना रहे हैं उसके चले जाने से और उनके वीक हो जाने से। सिर्फ उस शख्स का जाना ही काफ़ी नहीं है, हिजबुल्ला बहुत वीक हो गई है ऑर्गेनाइजेशन, अगरचे इसमें 1,50,000 फाइटर्स बताए जाते हैं, मगर उनका हशर देख लीजिए कि अब वो इसराइल कह रहा है कि हम ज़मीनी कार्रवाई करेंगे,
तो उनका ये जो वीडियो मैसेज है वो बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो मैसेज है, और मुझे इससे एक और मैसेज मिलता है कि शायद इसराइल कुछ बड़ा कदम उठाने वाला है ईरान के अंदर। चलिए, इसी से रिलेटेड फिर सवाल ये पैदा होता है कि फिर ये जंग आपको किस तरह चलती नजर आ रही है, किस तरफ को फैलती नजर आ रही है? देखिए, जिस तरफ को फैल चुकी है ये इसी तरफ को फैलती नजर आ रही है। ये जो मुसलमान जज्बाती फिर रहे हैं हसन नसरुल्लाह की हलाकत पर, और ये जो छलांगें लगा रहे हैं पाकिस्तानी मीडिया के लोग और आवाम भी, इनसे कोई ये पूछे कि ये जो लोग हैं जहादी, इन्होंने कितना एहसान किया है ईरान की आवाम पे, या लबनान की आवाम पे, या सीरिया की आवाम पे, अब तक ये जो जहाद कर रहे हैं। और इनसे कोई ये भी पूछे कि जो अरब ममालिक हैं, इनफैक्ट जो जहाँ पे मक्का मदीना है, सऊदी अरब हो, अमीरात हो, कोई भी बड़ा देश हो, वो तो हिजबुल्लाह के लोगों को, हमास के लोगों को अपने मुल्क में घुसने नहीं देते। जो असल इस्लाम का गढ़ है सऊदी अरब, वो तो हिजबुल्लाह को और हमास के लोगों को घुसने ना दे, सिर्फ वो जिसे कहते हैं ना पब्लिक कंजम्पशन के लिए थोड़ी सी मुजम्मत कर देगा। मुझे नहीं याद पड़ता कि कोई ऐसी स्टेटमेंट सऊदी अरब की आई हो कि जी हसन नसरुल्लाह की हलाकत पे उनको बड़ा अफसोस हुआ है। वो अलबत्ता ये उन्होंने ज़रूर कहा है कि इस जंग को रुकना चाहिए, नहीं फैलना चाहिए। अब जो फैलने वाली बात है, तो कोई भी अरब मुल्क, जो इम्पॉर्टेंट अरब मुल्क है, चाहे वो मिस्र हो, चाहे जॉर्डन हो इवन, जहाँ फलस्तीनियों की एक बड़ी तादाद बैठी हुई है, चाहे ये अपना सऊदी अरब हो, यूएई हो, कुवैत हो, कतर हो, उमान हो, ये इस जंग में कूदेंगे। चूँकि ये इस जंग में नहीं कूदेंगे, तो उस वजह से कोई इम्कान नहीं है ये जंग फैलेगी। ये जंग यहाँ तक ही रहेगी जहाँ तक ऑलरेडी फैली है, यानी गज़ा, ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट बैंक और लबनान, जहाँ तक ये आई। चूँकि लबनान में पहले भी खाना जंगियाँ हो चुकी हैं, इसराइल और हिजबुल्लाह की लड़ाइयाँ भी हो चुकी हैं, तो ये कोई नई बैटल फील्ड तो है नहीं। तो ये जंग यहाँ तक फैलेगी। चाइना और रूस ने मजम्मत ज़रूर की है, लेकिन वो मजम्मत भी ऐसी ही दिखावे की मजम्मत है, और कोई ऐसा ईरान के पीछे ना तो चाइना जाएगा उसकी मदद के लिए, ना रूस जाएगा। ये मैं आपको बात बता दूं, अगरचे ईरान ने यूक्रेन पे मिसाइल गिराने के लिए इसको ड्रोन्स और मिसाइल दिए हैं रूस को, मगर रूस शायद इनको कोई असला फ्राहम नहीं करेगा, क्योंकि रूस के भी कोई बुरे तल्लुकात नहीं है इसराइल के साथ, चाइना के भी बुरे तल्लुकात नहीं है। तो इसलिए ये जंग कोई वर्ल्ड वाइड जंग नहीं होने वाली, मुझे ये जंग किसी सूरत फैलती नज़र नहीं आएगी। मैंने इसी शो में कई बार कहा है कि ये जंग नहीं फैलेगी, बस यहाँ तक ही रहेगी, गज़ा, वेस्ट बैंक और ये लबनान। आज का बिला तकल्लुफ शो ताहिर गोरा और मेरे साथ देखने का बहुत शुक्रिया। आप हमारे टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इसी चैनल पर मौजूद डोनेट के बटन को दबाकर आप पेट्रियन, पेपॉल या क्रेडिट कार्ड के जरिए डोनेट कर सकते हैं। Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.